प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यापूर्वी प्रस्तावनाचे व्हिडिओ पाहिलं का? आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी कविता क्रमांक 1 तू सर्व जगाचा त्राता रे हिच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी कविता क्रमांक 1 तू सर्व जगाचा त्राता रे हिचा परिच्छेद क्रमांक 1 चा उर्दू भावार्थ पाहूया, उर्दू स्पष्टीकरण पाहूया। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, परिच्छेद क्रमांक 1 तू सर्व जगाचा त्राता रे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें टाइटल का मतलब समझना चाहिए कि टाइटल क्या है। तू सर्व जगाचा त्राता रे, तू सारी दुनिया का पालनहार रे, यानी तू ही दुनिया का पालने वाला रे, तू ही दुनिया का पालनहार। तो चलो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। तू सर्व जगह सा त्राता रे इसका पहला परिच्छेद यानी हिस्सा नंबर 1। तो आप अपने अपनी किताबें खोलकर बैठिए, शुरू करते हैं परिच्छेद नंबर 1। तू सर्व जगह सा त्राता रे, तू कला बुद्धि सा दाता रे, जहलो लीन अमितौ चरणी, तू अमूसा भाग्य विधाता रे, तू अमूसा भाग्य विधाता रे। प्यारे बच्चों, इस पहले बंद में इस नज्म की कवयित्री चारुता प्रभुदेसाई कह रही है कि तू सर्व जगह सा त्राता रे, यानी तू ही पूरी दुनिया का पालनहार रे, और तू कला बुद्धि सा दाता रे। कला बुद्धि यानी हुनर और अक्ल, कि तू ही है जिसने हमें हुनर और अक्ल से नवाजा है, या तू ही है जिसने हमें हुनर और अक्ल दिया है। जहलो लीन अमी तौ चरणी, जहलो लीन का मतलब होता है आजीजी से झुक जाना, कि हम तेरे आगे आजीजी से झुक जाते हैं। तू ही अमूसा भाग्य विधाता रे, भाग्य विधाता यानी किस्मत लिखने वाला, कि तू ही है जिसने हमारी किस्मत लिखा है। नटराज नर्तनी दिशी तू, नटराज नर्तनी दिशी तू, गायनी सुरांशा ईश्वर तू, उदिड़िले रंग तू नभंगणी, तू दया शांति निर्माता रे। तो प्यारे बच्चों, इस दूसरे बंद में, इस दूसरे पैराग्राफ में चारुता प्रभुदेसाई हमें कह रही है के नटराज नर्तनी दिशी तू। नटराज का मतलब होता है एक नाचती हुई मूरत, जिसे हम कहते हैं शंकर, भगवान शंकर का दूसरा रूप। भगवान शंकर का एक रूप होता है जो नटराज मूर्ति में दिखता है। तो चारुता प्रभुदेसाई कह रही है कि तू नटराज की मूर्ति में दिखता है, और फिर कह रही है कि गायनी सुरांशा ईश्वर तू, और तू ही है जो गीतों का ईश्वर है, गीतों का भगवान है, जिसने गीतों में अपने रंग को निभे दिया है, गीतों में अपनी कलाओं को, अपने सुरों को लगा दिया है। फिर कह रही है कि उधड़ीले रंग तू नभंगणी, यानी तू ही है जिसने पूरे आसमानों के आंगन में रंगों को बिखेर दिया। यानी आप लोग देखते होंगे कि आसमान में कई कशा, या जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष दिखाई देती है। तो चारुता प्रभुदेसाई वही कह रही कि तू ही है जिसने आसमानों के आंगन में रंगों को बिखेर दिया, और तू ही दया शांति निर्माता रे, कि तू ही है जो हमारी जिंदगियों में सुकून का देने वाला है, तू ही है जो हमारी जिंदगियों में सुकून का देने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है परिच्छेद क्रमांक 2 की जो है अगले वीडियो में मालूमत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।